नंबर वन मे 31 ताई पढ़ला लॉकडाउन। मे 31 ताई सारा देश में लॉकडाउन रो अवधि पढ़ी 14 दिन पर लॉकडाउन रो अवधि पढ़ाइबा को नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर अथॉरिटी निर्देश देछंती। केंद्र सरकार का समस्त मंत्रालय और राज्य सरकार का समस्त विभाग को एही निर्देशनामा जारी करा जाइछे। डिजास्टर मैनेजमेंट आक्ट 2005 रो धारा 6 अनुसार देश में देखा जाइथिबा कोरोना महामारी को नहीं लॉकडाउन अवधि पढ़ाइबा को निर्देश दिया जाइछे। समस्त राज्य आसंता मे 31 जाए लॉकडाउन बलबत्तर रखा कहता बेले स्वराष्ट्र मंत्रालय को गाइडलाइन प्रस्तुत करने को कहुचार सूचना था कि पूर्व सतटी राज्य लॉकडाउन अवधि बढ़ावा को घोषणा करते निज राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखापी आज तमिलनाडु महाराष्ट्र पश्चिमबंग और कर्णाटक सरकार मे 31 जाए लॉकडाउन बढ़ाई। गतकाली मिजोराम पंजाब और तेलंगाना सरकार निज निज राज्य में लॉकडाउन अवधि को बढ़ाई। नंबर टू लॉकडाउन 4.0 एसबू कटकणा जारी रहिबो। मे 31 जाए सारा देश में लॉकडाउन रो अवधि पढ़ी आ चतुर्थ पर्याय लॉकडाउन पर किसी गाइडलाइन जारी करा। गाइडलाइन रे स्पष्ट भाव कह राज्य सरकार एणिकी रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारण करेंगे। से हीपरि वर्तमान तीनोटी जोन बदल में पांचटी जोन रहिबो। रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन सह बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकार स्थिर करेंगे। मोटामोटी लॉकडाउन 4.0 रे राज्य सरकार मानकु प्रमुख दायित्व दिया जाइछि। एसबू बंद रहिब। गाइडलाइन रे कहा जाइछि जे मेट्रो ट्रेन सेवा सह समस्त विमान उड़ाण बंद रहिब। समस्त अंतरराष्ट्रीय और देश भितर विमान उड़ाण बंद रहिब। श्रमिक मानकु नै चारुथिबा एक्सप्रेस छड़ा अन्य सब पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन बंद रहिब। सेहिपरि धार्मिक अनुष्ठान सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल बंद रहिब। कौनसी धार्मिक सामाजिक और राजनैतिक बैठक करने को अनुमति दिजिव ना। से हीपरि कंटेनमेंट जोन में कौन कटकणा को कोहल करा संध्या 7:00 सकाळ 7:00 जाए लोकमानक चलप्रचल उपरे कटकणा बलबत्त रही। नंबर 3 भेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टर्म रे परिणत होला अम्फान। भेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टर्म रे परिणत होला अम्फान। आसंता 24 घंटा रे एहा एक्सट्रीम साइक्लोनिक स्टर्म रे परिणत हेबो। वर्तमान समय पारादीप ठारु 960 किलोमीटर दूर रे रही अम्फान। सेपरि दीघा ठारु 1110 किलोमीटर दूर रे रही। शेष 6 घंटा रे अम्फान 5 किलोमीटर बेगरे गति करुछे। आसंता 20 तारीख अपराह्नरु संध्या मध्यरे एहा पश्चिमबंग सागर द्वीप और बांग्लादेशर हातिया द्वीप मध्यरे स्थलभाग छुईब। बंगोपसागर बात्यार रूप नेथिबा अम्फान धीरे धीरे घनीभूत होई धीर बेगरे गति करुछे। तेबे ओडिशा रे एहार प्रभाव पड़ा संभावना रही। बात्या राज्य सरकार प्रस्तुत थिबा एसआरसी कहिछन्ते उपकूल और उत्तर ओडिशा रे मध्यम धरणर प्रबल वर्षा हेबो बोली आकलन करा जाउछे। 12टी जिला को अलर्ट करा जाइछे। 4टी जिला जगतसिंहपुर बालेश्वर केन्द्रापड़ा भद्रक रे अधिक विपद रही। नंबर 4 सुस्थ हेले आउ 24 कोरोना आक्रांत। ओडिशा पई भल खबर। राज्य रे सुस्थ हेले आउ 24 कोरोना आक्रांत। गंजाम रु 19 जण, जाजपुर रु 3 जण, बालेश्वर रु 2 जण कोरोना रोगी सुस्थ होइछंती। चिकित्सा परे एजाय राज्य रे मोट सुस्थ हेलेनी 220 जण। एने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पक्षरु ट्वीट करी सूचना दिया जाइछे। अन्यपटे राज्य में मोट आक्रांत संख्या 828 पहुंचे। तेज आज चिन्हट होता 91 जन नुआ आक्रांत मध्य भद्रक 28, बालेश्वर से 17, गंजाम 15, कटक 12, पुरी 7, केन्दुझर 4, खोर्धा 3, बलांगीर 2, केन्द्रापड़ा सुंदरगढ़ और संबलपुर जड़े लेखाएं आक्रांत चिन्हट होती। सहित प्रथम थरपाई संबलपुर जिला को डेई कोरोना भूताणु। राज्य में 22तम जिला भाव में संबलपुर चिन्हट होती कोरोना आक्रांत। नंबर 5 बात्या जगू 4 दिन बदलला भुवनेश्वर नुआदिल्ली भुवनेश्वर एसी स्वतंत्र ट्रेन रा गतिपथ। बात्या अम्फान पई भुवनेश्वर नुआदिल्ली भुवनेश्वर एसी स्वतंत्र ट्रेन रा गतिपथ रे परिवर्तन करा जाइछे। 02823 02824 भुवनेश्वर नुआदिल्ली भुवनेश्वर ट्रेन मे मास 19 रु 20 मथरे भुवनेश्वर रु ओ मे मास 18 रु 21 मथरे नुआदिल्ली रु भुवनेश्वर अनुकूल संबलपुर सिटी झारसुगुडा राउरकेला टाटा बाईपासिंग भद्रक बालेश्वर ओ हिजले रूट दे चलिब। यात्री मानकर सुरक्षा को दृष्टि रे रखी रेलपाई एही पदक्षेप नैथिबा जणा जाइछे। बालेश्वर ओ हिजले खड़गपुर आसुथिबा ओ जाउथिबा यात्री माने 4 दिन पई एही स्वतंत्र एसी ट्रेन सेवारु उपकृत होई परिबे नाही। बात्या अम्फान उपरे पूर्वतट रेलपथ नजर रखिछे। समय अनुसार बात्या संपर्कित सूचना दिजिबा बोले पूर्वतट रेलपथ पक्षरु कुहा जाइछे। नंबर 6 20 रु मैट्रिक खाता मूल्यांकन आरंभ को नै आशंका।
माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर आसंता 20 आरंभ होगा थिबा मैट्रिक मध्यमा राज्यमुक्त विद्यालय खाता मूल्यायन को नहीं अनिश्चितता सृष्टि होइछे। गोटे पटे कोरोना महामारी मूल्यायन संक्रांत हाइकोर्ट नुआ गाइडलाइन जारी करथिबा बेले अन्य पक्षरे कर्मचारी सुरक्षा को नहीं प्रश्न उठाई बोर्ड कर्मचारी संघ। एथिपाई शनिवार अपराह बोर्ड पक्षर होगा क्यांप अफिसर्स बैठक बसिपारे ना। आज 18 तारीख सोमवार दिन भुवनेश्वर विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री उपस्थित होगा बैठक में मूल्यायन कार्यसूची चूड़ांत हो जमापड़ी। अंपक्ष हाइकोर्ट निर्देश और बात्या अंफान आसुव मैट्रिक खाता देखा किपर पुनः आरंभ होने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तनाघना आरंभ कर। नंबर 7 आज गड़ब मो सल जून 30 मागणा चल पारे। लॉकडाउन होगा दिन ठार् अचल हो पड़ा मो सल पुणी गड़ब आज 300 मो सल 50 पब्लिक बाइक शेयरिंग पीपीएस स्टेशन रे उपलब्ध होब। लोक माने मो सल आप्रे लक खोली सैकल चल पारे क्रूड पक्षर कहा प्राय 50 दिन मो सल गड़ नाकू मरामती विशोधन करूक लोक जपरी मो सल चलते से जून 30 पर्यंत चल मागणा कर हेले एथिपाई सर्त रखाई जे जड़े लोक थरे राइड आरंभ कले 30 मिनिट पर्यंत मागणा चलाई पारे यापर जदि सैकेल चलते तेज प्रचलित भड़ा पड़ब हेले 30 मिनिट पर सैकेल लक पुणी अनलक चलते कौन भड़ा पड़बना दिनक एकाधिक थर सैकेल चल पारे कि प्रति थर 30 मिनिट पर्यंत मागणा चल अनुमति मिल। राजधानी में प्रमुख स्थान में 50 पीबीएस मो सल उपलब्ध हो। नंबर 8 क्लासरूम खाखा तथापि बही धरी पढ़ाऊ शिक्षक क्लासरूम खाखा थिबा बेले नाही पिलांको कोलाहल केवल शिक्षक क्लास रे उपस्थित थिबा बेले केते बेले बही धरी तो केते बेले कोलापटारे अंककसी बुझाई चालुछंते आउ ए सबुर होई चले छे मोबाइल रेकॉर्डिंग। घरे रहिबे पिलांको क्लासरूम रो अनुभव देबा तथा पाठ पढ़ा को आगे नेबा पई जोरसोरे चले छे एपरी प्रयास। सुवर्णपुर जिला गोष्ठी शिक्षा विभाग पक्षर ए प्रयास कार्यक्रम माध्यम रे आरंभ होईछे ऑनलाइन पाठपढ़ा व्यवस्था। लॉकडाउन जो मसरे ऊर्ध समय हे प्रभावित हो पाठपढ़ा सेपटे कोरोनार भयावहता दिनक दिन बढ़ी चलू केठपढ़ा आरंभ हो ताकुनी देखाई अनिश्चितता एपरी स्थिति में संगरोध नियम को कड़ाकड़ी पालन सह किपर पिलापढ़ा व्याहत न हो आरंभ हो प्रयास। नंबर 9 टीवी जरिया पाठ पढ़े छात्र छात्री लॉकडाउन पर स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रही 54 दिन हेब छात्र छात्री पाठपढ़ा प्रभावित होई आगक आहुरी 14 दिन लॉकडाउन रही सबको विचार करी केंद्र सरकार टीवी जरिया छात्र छात्री को पाठ पढ़ाई निष्पत्ति नहीं स्वतंत्र टीवी चैनल आसीबा बोली सरकार पक्षर कहा प्रधानमंत्री ई विद्या अभियान में अंतर्भुक्त। केन्द्र मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कहते छात्र छात्री और अभिभावकों दाबी को नजर रखे सरकार टीवी जरिया पाठ पढ़ाई को निष्पत्ति नहीं द्वारा सीबीएसई प्रथम श्रेणी द्वादश श्रेणी जाए छात्र छात्री उपकृत हेबे बाद रेडियो एवं सीबीएसई पॉडकास्ट शिक्षापाणी जरिया छात्र छात्री उपकृत हेबे से कहते एमतीक 10 बाधित छात्र छात्री सरकार स्वतंत्र सुविधा कर एही ऑनलाइन जरिया देशर 33 कोटी छात्र छात्री उपकृत हेबे। नंबर 10 को जीवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियोटी को लाइक कर दिंतु कारण आपणकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनवाई प्रोत्साहित करिथाय। नंबर 10 राष्ट्रपति भवन आउ जणे कोरोना आक्रांत चिन्हट राष्ट्रपति भवन में आउ जणे कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। राष्ट्रपति भवन में निजुक्त होता जड़े आसीस्टांट पुलिस कमिश्नर कोरोना आक्रांत होता जमापड़ी। राष्ट्रपति भवन जड़े वरिष्ठ अधिकारी रविवार सूचना देते एवं आक्रांत पुलिस अधिकारी स्थानीय हस्पिटाल को स्थानांतरित कर नियोजित अफिस् स्थानीय अंचल को विशोधन कर आक्रांत जनक पूर्व दिल्लीर कर्कर डमारे सरकारी हाउसी कलोनी रुहते आक्रांत एसपी अफिस् राष्ट्रपति अफिस् पाखु दूर रही से राष्ट्रपति सुरक्षा दायित्व नथिले। सूचनाचोग्य गत मास राष्ट्रपति भवन में जड़े कोरोना आक्रांत चिन्हट होते भवन में 125 कर्मचारी क्वार्टर्स को सिल कर। नंबर 11 कोरोना उत्पत्तिर निरपेक्ष तदंत दाबी कला भारत कोरोनार उत्पत्ति केउठु होइछि एही प्रश्न एवं विश्ववासी मनरे आमेरिका जर्मानी ब्रिटेन भले देशर गुइंदा संस्था कोरोना पर चीन को दायी करिछंती भाइरस विस्तार केउठि होइछि ताहा अस्पष्ट रहिछि एबे भारत कोरोनार उत्पत्ति बाबत जाणीप चेष्टा करिछे विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ निकट में निरपेक्ष तदंत दाबी करिछे
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରିଛି। ଏଯାବତ 210ଟି ଦେଶକୁ ଏହି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ଏଥିରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରେ ଚୀନ୍ର ହୁବେଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଉହାନ୍ ସହରରୁ ଏହି ମହାମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି WHO ସଂସ୍କାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କରୋନା ବାବଦରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୁଣି 2 କରୋନା ପଜିଟିଭ, ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 830। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପୁଣି 2 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ବନ୍ଧପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 2 ଜଣ ଯୁବକ ନିକଟରେ ସୁରତରୁ ଫେରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବ ନମୁନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକା ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଲପାଲିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 2 ଯୁବକ ସୁରତରୁ ଫେରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ। କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହୁଟ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଖିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଫେରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇପାରିବ ବିବାହ ଓ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। May 31 ଯାଏଁ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଣିକି ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଜୋନ୍ ବଦଳରେ 5ଟି ଜୋନ୍ ରହିବ। ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ ସହ ବଫର ଓ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ। ତେବେ ଏଥରର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅନୁସରଣ କରି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମାରୋହରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶବ ସଂସ୍କାର ବେଳେ କେବଳ 20 ଜଣ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ନମ୍ବର 14, କରୋନା ଭାଇରସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଚେତାବନୀ ଦେଲା WHO। କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। NHS ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ କାଶ ଓ ଜ୍ୱର କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଭାଇରସ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଥା କହିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। WHO ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଥିବ ଅଥବା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି କଥା କହିବା ଅସୁବିଧା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେବ। ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଭଳି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ବି ଶରୀରରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ ଓ ପରେ ବାହାରିପାରେ। ନମ୍ବର 15, ଅଫିସ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ସରକାର। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ସହ May 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ସହ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ର ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆପ୍ରେ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବା ସହ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି May 18 ସୋମବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ନମ୍ବର 1, ମେଷ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ଅଭାବରୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଭାଷଣ ଜନିତ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନମ୍ବର 2, ବୃଷ। ପରିଚିତ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଭୃତିରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ହାସଲ କରିବେ। ଯାତ୍ରା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 3, ମିଥୁନ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
आदेश प्राप्त हो सांगठनिक क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकु पड़िपे सत्संग व आध्यात्मिकतारु शांति लाभ करिबे व्यक्तिगत केतेक समस्या जनित पारिवारिक दुश्चिंता मध्यरे समय कटाइबे। नंबर फोर कर्कट सामयिक प्रतिबंधक आपणक अर्थ द्रव्य लाभ में अंतराय सृष्टि कराइपरिब नाही नूतन कर्म आरंभ तथा शिल्प वाणिज्य और व्यवसाय सफलता हासिल करिबे सांगठनिक और आईन अदालत क्षेत्र में उन्नतमान फल प्रदान करिबे अन्य कथारे प्रभावित हो निज लोक मानक भूल बुझिबे। नंबर फाइव सिंह कर्म क्षेत्र में प्रबल विरोधर सम्मुखीन होबाकु पड़िबो आर्थिक दुरावस्था कारण इच्छा कले कौन जिनस किणि नपारी मन दुख करते हठात शत्रु मानक मित्र भली आचरण आपण को विस्मय विभूत करिपे जहाँ करतुना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा नित्यांत आवश्यक। नंबर सिक्स कन्या कौन आनुष्ठानिक कार्य सकाशे विचार विमर्श स्वार्थहानि आशंकर भल संपर्क आत्मीय मैंने भूल बुझी अर्थ को अनर्थ करेंगे कर्मक्षेत्र में पदस्थ व्यक्ति सानिध्य लाभ कर उपकृत हो पारती अर्थ संपर्क बदर सुधार परिस्थिति सृष्टि होवार संभावना रही। नंबर सेभेन तुला आज कामगुड़िकजर संपन्न न हो विशृंखलित होसी निष्पत्तिर परिवर्तन कले विरोधात्मक परिस्थिति सृष्टि हो पारे स्वास्थ्य प्रति अवहेला कले अनुताप करने को समय पाइबे ना सभा समिति में सम्मानीय व्यक्तिशेष सहायता करते। नंबर एट पिछा स्वास्थ्य समस्या उद्वेगजनक ना किटा व्यतिक्रम पर पारे प्रशासनिक स्तर में प्रकाशन क्षेत्र में शिल्प वाणिज्य समस्या दूर हो विगत दिन मानक कथा चिंता करी मानसिक ग्लानि अनुभव करिबे। नंबर नाइन धनु निज लोक अनास्था भाव मानसिक असुस्थतार कारण हो पारे आध्यात्मिकता साहित्य कला और रचनात्मक काम उच्च प्रशंसा पाइबे मिथ्या अभियोग सकाशे अंपर विरक्ति प्रकाश करने को बाध्य बंधु मानक परोक्ष शत्रुता जो विचलित तो हो पारती। नंबर टेन मकर कर्म क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी मत पार्थक्य कारण विकल्प चिंता करेंगे साधारण घटन सहकर्मी संपर्क हानि दुश्चिंतार कारण हो पारे बकिया अर्थ आदाय करें सक्षम होते स्नेह और सहानुभूति पर नई भावप्रवण हो पारती। नंबर इलेवेन कुंभ कर्म क्षेत्र में मानसिक चाप पारिवारिक जीवन को केतकांश प्रभावित कर रखिबो जानवाहन लोकसंपर्क घरोई कथा आनुष्ठानिक तथा सामाजिक काम कलह सृष्टि हो पारे अवश्य शिल्प वाणिज्य और व्यवसाय उन्नति परिलक्षित हेबो। नंबर ट्वेल्व फेमिन नूतन सूचक पाइबार मार्ग उन्मोचित हो पारे प्रशासनिक क्षेत्र में द्वंद्व दूर हेबो और सहमति माध्यम काम करिबार सूचक पाइबे बंधु को आमंत्रण क्रमे आकस्मिक भाव में भ्रमण सुजोग लाभ करिपारंती परिवार रे पुत्र कन्या हेतुक केतेक समस्या को नहीं चिंतित रही पारंती